और अब बात अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनने वाली मस्जिद की। देखिए कैसा होगा इस मस्जिद का डिजाइन, क्या है इसकी खास बात, देखिए पूरी खबर सिर्फ एक मिनट में। राम मंदिर के बाद अब अयोध्या में शुरू हुई भव्य मस्जिद की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार ने मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या के करीब धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन दी थी, जिस पर बनने वाली मस्जिद का डिजाइन लॉन्च हो गया है। धन्नीपुर में 5 एकड़ में फैला होगा बाबरी मस्जिद का विशाल परिसर। 2000 लोग एक साथ कर सकेंगे नमाज अदा। महिलाओं के सजदे के लिए होगी अलग से जगह। अयोध्या से करीब 23 किलोमीटर दूर धन्नीपुर गांव में बनने जा रही है ये मस्जिद। अगर हमारे पास अप्रूवल आ जाता है तो हमारी कोशिश होगी, जो कि मुझे मुश्किल लग रहा है आज की तारीख में, 26 जनवरी की जो बात कही गई थी, क्योंकि उस दिन आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन की न्यू रखी गई है इस मुल्क की, तो बेहतर हो हम उस दिन रखें। पर हम ऐलान कर रहे हैं कि कोई बड़ा फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम में जो भी शरह जो जुरिसप्रूडेंस है उसमें कोई भी मस्जिद के फाउंडेशन के लिए तामीरी काम के लिए कोई बड़ा फंक्शन नहीं होता है। 5 एकड़ में बनने वाली इस मस्जिद की इमारत 2 मंजिला होगी। मस्जिद परिसर में मस्जिद के अलावा 300 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, शोध संस्थान, सार्वजनिक भोजनालय और कुतुब खाना यानी आधुनिक पुस्तकालय भी होंगे। ट्रस्ट की ओर से जारी बयान के मुताबिक मस्जिद परिसर में पहले से मौजूद मजार में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मस्जिद में सोलर पावर भी लगाने की योजना है। मस्जिद का डिजाइन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने जारी किया है। दिलचस्प बात ये है कि ट्रस्ट की तरफ से जारी किए गए मस्जिद के डिजाइन में कोई भी गुंबद नहीं है, बल्कि मस्जिद का आकार गोल रखा गया है। फाउंडेशन के प्रवक्ता तहर हुसैन के मुताबिक मस्जिद का निर्माण कार्य 26 जनवरी 2020 से शुरू हो सकता है। मस्जिद को बनाने में 2 साल का समय लग सकता है। ABP News आपको रखे आगे।